वेलकम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो लाया हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक होता है दोस्तों यूबी और यूसी। मतलब यूबी होता है दोस्तों यूनिवर्सल बीम, और दोस्तों यूसी होता है यूनिवर्सल कोलम। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, इन दोनों को मतलब जो डिफरेंस है, मतलब दोनों कहाँ का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन दोनों को लिए आज डिस्कस करूँगी। तो शुरू करने से पहले, आप अगर हमारे चैनल से नया है तो आप ज़रूर जुड़ जाइए हमारे चैनल पर। जो सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर क्लिक करके रखिए, और साइड में जो बेल बटन है उसे भी क्लिक करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, यूबी क्या है? यूबी होता है दोस्तों यूनिवर्सल बीम, और यूसी क्या है? यूनिवर्सल कॉलम। तो इन दोनों का क्या मतलब, इन दोनों देखने में क्या है, ठीक है, मैं आपको एक साइड व्यू में जो पिक्चर है वो पहले दिखा देती हूँ। तो हमने देख रहे हैं जो स्क्रीन का जो पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये एक यूबी है और एक यूसी है। तो दोस्तों, अब दिख रहा है यह है यूसी और दोस्तों यह है यूबी। तो दोस्तों, यूबी का जो साइड व्यू देख लीजिए, ठीक है, इसका जो डिफरेंस क्या है। तो यूबी का जो ये होता है, ठीक है, ये जो फ्लांज होता है, इसका जो फ्लांज होता है, ये यूसी का फ्लांज बड़ा होता है, ठीक है, मतलब इसका लेंथ ज़्यादा होता है, और दोस्तों यूबी का लेंथ छोटा होता है, ठीक है, यूबी का जो फ्लांज का लेंथ, ठीक है। और दोस्तों, इसका मेजरमेंट कौन से करती है? तो दोस्तों, मैंने जो ये लिख के रख दिया, ठीक है, लेंथ, ठीक है, ये इससे मेजरमेंट करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जितना होगा, ठीक है, ये उतना का बीम है, मतलब उतना का यूबी है। और दोस्तों, यहाँ से यहाँ का जितना लेंथ है, ठीक है, ये उतना का यूसी है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मतलब 203 होता है, तो ये एक 203 का यूसी होता है, 203। और दोस्तों, इसका जो साइड का चौड़ा है, और ये इंटू इंटू करके लिख के रखा है, ठीक है। और दोस्तों, जो इसका जो ये होता है, ठीक है भाई, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये होता है ये यूबी का, ठीक है, मतलब इसका डिस्टेंस 200 होता है, तो ये 200 का यूबी होता है, ठीक है। और दोस्तों, तो दोस्तों आपने जो पिक्चर दिख रहे हैं ये है यूसी का, ठीक है। तो दोस्तों, यूसी दिखने में क्या है आप दिख लीजिए, आपको जो साइड व्यू में दिखा है वो सिर्फ ये और इसको भी दिखाया, ठीक है। तो दोस्तों, ये किसना कैसे दिखना है, ठीक है, इसका शेप क्या है, लुक क्या है, आप देख लीजिए, ठीक है, ये इधर से चल जाए, मतलब ये इधर से ये यूसी पड़ी हुई है, ठीक है। और दोस्तों, ये यूसी आपको तो पहले बोला जो यूसी और यूबी का मतलब कैसे डिफरेंस है, ठीक है। और दोस्तों, यूबी का मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, इस बार स्क्रीन में आप जो पिक्चर दिख रहे हैं ये है एक यूबी का, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल बीम का। तो दोस्तों, आप दिख रहे हैं इसका जो ये फ्लांज का चौड़ा है ये थोड़ा कम होगा और ये ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, इसका जो डिस्टेंस मतलब ये कितना का यूबी है, बीम है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है बाहर से बाहर, यहाँ से बाहर से इस इधर से बाहर का जो डिस्टेंस होता है ये उतना का यूबी है, मतलब ये 200 है, तो ये 200 का यूबी है, यूबी है दोस्तों 200 का, जो मतलब जितना है। और दोस्तों, एक 200 का यूबी का जो इसका जो फ्लांज होता है, ठीक है, ये फ्लांज का चौड़ाई होता है दोस्तों 120, ठीक है। तो दोस्तों, जो डिफेंस डिफेंस कंपनी है, ठीक है, डिफेंस डिफेंस बनाते हैं, तो दोस्तों ये मिनिमम 120 होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस बार आप देख लीजिए इन दोनों का डिफेंस क्या है, मतलब इन दोनों का कहाँ से यूज़ करती है। तो दोस्तों, आपने देख लिया यूबी और यूसी इन दोनों का यूज़, मतलब इन दोनों का मेज़रमेंट क्या करते हैं, इन दोनों दिखने में क्या है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन दोनों का जो यूज़ होता है, ठीक है, मतलब यूबी कहाँ से यूज़ करती है और यूसी कहाँ से यूज़ होता है। तो दोस्तों, यूबी कहाँ से यूज, तो दोस्तों इसके पहले एक बात आप जान लीजिए। तो दोस्तों, यूबी जो 200 का यूबी का जितना वेट है, एक 200 का यूसी का उतना वेट नहीं होगा, ठीक है, उससे बहुत लो वेट होगा, ठीक है। तो दोस्तों, 200 का यूसी नहीं है, 203 का है, ठीक है। और दोस्तों, जो यूसी होता है उसका जो फ्लांज होता है वो फ्लांज का थिकनेस थोड़ा लो होता है, और दोस्तों जो यूबी होता है उसका जो फ्लांज का थिकनेस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और दोस्तों, इन दोनों का यूज़ क्या है? तो दोस्तों, जो यूनिवर्सल कोलम है, ठीक है, वो कोलम के रूप से यूज़ नहीं करते, ठीक है, और करता है तो कुछ इंडस्ट्री में लो, मतलब जिसपे एक सेड होगा तो उसमें एक यूसी का कोलम होता है। तो दोस्तों, जे और जो हैवी वेट का काम होगा, मतलब जो दोस्तों देखिए, जो एक कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर दोस्तों एक ओवरहेड क्रेन जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे एक कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर एक ओवरहेड क्रेन जा रहा है, तो उस जगह में जो बेस के साथ देती है वो दोस्तों एक यूबी का देती है, मतलब यूनिवर्सल बीम का देती है, ठीक है।
और दोस्तों जो यूसी होता है, यूसी का यूज़ कहाँ से होता है, हेवी इंडस्ट्री में। तो दोस्तों यूसी का यूज़ होता है दोस्तों टाई बीम, मतलब टाई बीम मतलब, लेकिन दोस्तों मतलब ऊपर से एक इस तरह ऊपर से एक बीम आ रहा है, ठीक है, ऊपर से एक इस तरह एक बीम आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर और एक बीम जोड़ रहा है, यहाँ से जोड़ रहा है, ठीक है, ये सारे बीम को यूसी से दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि यूसी का वेट कम होता है, थोड़ा कम होता है यूबी के हिसाब से। और तो यूबी कहाँ होता है, यूज होता है, तो दोस्तों मतलब ये है आपका बेस, तो बेस के ऊपर एक कॉलम होता है, ठीक है, इस तरह। तो दोस्तों ये यूबी का होता है और इसके ऊपर जो इस तरह चढ़ेगा कॉलम, ठीक है, वो यूसी का होता है, ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। और दोस्तों यूबी और यूसी, ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों सेक्शन में होता है, ठीक है, एक होता है इंडियन सेक्शन और एक होता है दोस्तों ब्रिटिश सेक्शन। ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये इंजीनियरिंग के सिलेबस का नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वर्कशॉप है, जो इंडस्ट्री है, वहाँ से प्रचलित है, ठीक है। तो दोस्तों जो पावर प्लांट है उसके जो काम होता है वो सारे इंडियन सेक्शन में कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो पावर प्लांट का ओनर है वो भी पता, उसको भी पता है जो ये इंडस्ट्री 10 या 12 साल बाद ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो जो अच्छा इंडस्ट्री है, ठीक है, वो उसमें ब्रिटिश सेक्शन का जो बीम होता है, कॉलम होता है, ठीक है, उसके उस जब उस मटेरियल को लेकर काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो इंडियन सेक्शन क्या है, तो दोस्तों इंडियन सेक्शन का जो बीम है वो थोड़ा बाका मतलब ये सीधा नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, मतलब बैंड होकर रहेगा, ठीक है। और जो दोस्तों जो ब्रिटिश सेक्शन होता है वो क्या है, तो दोस्तों ब्रिटिश सेक्शन का जो माल का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा क्वालिटी है, ठीक है, वो एकदम सीधा रहेगा, इस तरह एकदम सीधा रहेगा, ठीक है, मतलब जैसे चाहोगे आप बैंड कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ब्रिटिश सेक्शन का जो एग्जाम्पल है, तो दोस्तों जो आप जिंडाल कंपनी है, अब तो सभी को पता है जिंडाल, ठीक है दोस्तों, तो ये जिंडाल कंपनी का जो मटेरियल है वो ब्रिटिश सेक्शन का है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।